हाय गाइस, दिस इज जी आर एंड यू आर वॉचिंग वर्क एट अवर जॉब बेलफोर्ट। फ्रेंड्स, आपके लिए एक और अच्छी पार्ट टाइम जॉब। काफ़ी दिनों से जो है फुल टाइम जॉब ही चल रही है। पार्ट टाइम जॉब एक्चुअल सैटरडे संडे चल रही थी, लेकिन कुछ अलग हट के पार्ट टाइम जॉब नहीं आ रही थी। काफ़ी लोगों कैंडिडेट्स का जो है हम लोगों के पास व्हाट्सएप में आता कि कॉल भी आता कि सर पार्ट टाइम जॉब है कि है तो लेके आइए, स्टूडेंट लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे उनके लिए भी एक अच्छी काम की अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम जॉब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे, और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें, और लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइस, जॉब है ऑल ओवर बेंगलोर में प्रमोशन का काम, प्रमोशन का काम में पार्ट टाइम जॉब। हम लोगों का ऑलरेडी संडे और सैटरडे पार्ट टाइम जॉब चल रही है काफ़ी टाइम से। आज जो है जेपी नगर, कल HSR लेआउट, या फिर उसके बाद जो है बेलंदूर XYZ, जो कंपनी की तरफ से जो जो एरिया दिया जाता है उस एरिया में प्रमोशन का काम स्टोर के इनसाइड में सैटरडे संडे ऑलरेडी चल रहा है जुगली एंड फूड्स में। अभी ये है अलग, थोड़ा हटके है, उसमें टाइमिंग भी कुछ अलग है और सैलरी भी कुछ अलग है। तो गाइस, ये है वाक पकड़ी चाय पत्ती की। मैंने ऑलरेडी जो है ये वीडियो बना के डाला था, लेकिन उसमें जो था फुल टाइम का था। कंपनी इसमें भी पार्ट टाइम भी करवा रही है। पार्ट टाइम बोले तो जो मॉर्निंग 6 to 9 टाइमिंग है, उसमें मॉर्निंग 6 to 9 आपको करना कुछ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट्स रहते हैं वहाँ पे। दो कैंडिडेट्स होता है क्या कि एक सुपरवाइजर रहता है और एक प्रमोटर रहता है। सुपरवाइजर का काम यह रहता है कि वो वहाँ पे वाघ बकरी का चाय बना के कस्टमर को रेडी करके देना। प्रमोटर का काम रहता है कि कस्टमर को, जो पार्क में आने वाले कस्टमर है या फिर पार्क में आने वाले लोग हैं, उनको वो चाय फ्री में देना, फ्री में पिलाना, और उनसे टेस्ट लेना, टेस्ट का रिव्यू लेना, टेस्ट कैसा है उसका फीडबैक लेना, और सेल करना, बेचना। आपके पास कुछ स्टॉक्स रहता है वहाँ पे, और एक छोटा सा स्टॉल लगाना पड़ता है वहाँ पे, तो सेलिंग भी रहता है साथ साथ में। तो दो कैंडिडेट्स की ज़रूरत रहती है, प्रमोटर और सुपरवाइजर की दो कैंडिडेट्स की ज़रूरत रही है। सैलरी इसमें जो रहती है डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस और डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट कीजिए विजयनगर ऑफिस में, वहाँ पर आपकी सैलरी क्लियर कर दी जाती है कितना सैलरी रहता है। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 6 to 9 सुबह 6 बजे से लगाकर 9 बजे तक टाइम रहता है, कोई भी कर सकता है इसको। लाइक फुल डे जाने वाला, दूसरी काम में जाने वाला भी जो है 9 बजे तक इसको कर सकता है, या फिर स्टूडेंट हुआ जो 11-12 बजे जो कॉलेज जाता है वो भी इसको कर सकता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है ये। लैंग्वेज इसमें कौन सी भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन रहता ये है गाइस की जो लैंग्वेज की जब बात आती है तो पर्टिकुलर जो है बंदे को एक लैंग्वेज जो है नहीं होना चाहिए उसको, या तो हिंदी कंपलसरी आना चाहिए, या फिर लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए, या फिर इंग्लिश जो थोड़ा को बात करना आना चाहिए। होता ये है कि कभी कभी कैंडिडेट्स आता है उसको लाइक जैसे एक पर्टिकुलर गांव की लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज आती है, फिर उसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं तो वो अपने ही लैंग्वेज में रिस्पॉन्स देता है, या फिर अपनी ही लैंग्वेज में बात करता है। उसको तो समझ में आ जाता है हिंदी में, लेकिन वो क्या बोलता है हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में तकलीफ होती है। तो एक लैंग्वेज पर्टिकुलर आपको जो है अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ आनी चाहिए, इंग्लिश, कन्नड़ा, नहीं तो हिंदी, ताकि आपका जो है बात करने का तरीका हम लोगों को समझ में आए, आप क्या बोलते हैं वो थोड़ा समझे। लोकस इसमें लैंग्वेज कौन सी भी चलती है, एज लिमिट रहती है इसमें 18 से लगाकर 25 ईयर्स, 25 साल तक जो है लास्ट इसमें लिया जाता है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों का लिए। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर, जहाँ आपका घर है या फिर जहाँ आप रहते हैं उस लोकेशन से आपको जॉब मिलती है। आप ही के लोकेशन में छोटे छोटे जो पार्क रहता है, पब्लिक प्लेस रहता है, पब्लिक पार्क रहता है, वहाँ पे प्रमोशन करना रहता है, सेलिंग करना रहता है, कस्टमर को, क्लाइंट को जो है वो चाय बना के पिलाना रहता है। कभी कभार क्या रहता है कि आपसे जो है सेट नहीं हो पाता तो जो है वो सुपरवाइजर या फिर हम के कंपनी का बंदा जो जाता है बाजू में बेकरी रहता है, उस बेकरी से वो बनवा लेता है, जो भी है वो कंपनी वाला अपना देखता रहता है।
आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि उसको चाय को पिला के उसका फीडबैक लेना रहता है और कोशिश करना रहता है कि सेल करना कि शायद ये इसमें जो खूबी है ये इसकी जो है खासियत है और अच्छी है जो भी है क्वालिटी ऐसी है वो है बोल के उसको जो है बेचना रहता है। वो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म रहती है, कैप रहती है, टी शर्ट रहता है और जींस वगैरह जो भी आप पहन के आते हैं वो उसके ऊपर कंपनी का एक ड्रेस कोड रहता है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहता है वो बंदा सोमवार से लगाकर शनिवार तक हम लोगों के ऑफिस विजयनगर में विजिट कर लें वैलिड रेज्यूम के साथ, टिल वैलिड रेज्यूम के साथ। अपडेट रेज्यूम होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 3 फोटो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूलें और ऐसे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी ना भूलें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनको कुछ अच्छा काम मिल सके। एक्चुअली ये वीडियो जो मैं लोकल लैंग्वेज में देने वाला था कनाडा में, बट होता ये है कि हिंदी वाले लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, जो बाहर के लोग रहते हैं ऑलरेडी बंगलोर में उन लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। तो ये मैं हिंदी में दिया हूँ वीडियो, तो जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो बंदा डायरेक्ट हम लोगों से कॉल कर सकता है या फिर हमारे विजयनगर ऑफिस में विजिट कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।